मुंबई में मलाड के रहने वाले कृष नामक युवक को महाराष्ट्र विधान भवन के डिप्यूटी स्पीकर वसंतराव पुरके ने उसके बहादुरी के लिए कहा सम्मानित। दरअसल एक बार शाम को खेलते समय एक चोर सोने के जेवरात चुराकर भाग रहा था। उसी वक्त कृष ने इस चोर को देखा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर लोग वहां जमा हो गए, पर यह चोर वहां से भागने लगा। कृष ने बहादुरी दिखाकर उस चोर को पकड़ लिया। कृष को पुलिस कमिश्नर की तरफ से पुरस्कार मिल चुका है। अब इसका नाम राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भेजा जाने वाला है। लड़के ने बहादुर से बहुत बड़ा अच्छा काम किया है, जो कि पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए इंस्पायरिंग हो सकता है। उसका नाम है कृष शाह, और उसने जो कुछ किया उसका एप्रिसिएशन देने के लिए बहुत अच्छा जो काम करने वाले लोग हैं, उसमें हमारे एडवोकेट पावस्कर है, हमारे रेडियो आकाशवाणी की काम करने वाले हमारी मैडम भी है। तो ये जो काम हुआ, हालांकि ये कि कोई भी रिस्क लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता। एट द कॉस्ट ऑफ आवर लाइफ नोबडी कैन ट्राई टू सेक्रीफाई फॉर द सोसाइटी। तो ऐसे पास हो भी, ऐसे बैकग्राउंड पर कृष्ण ने जो काम किया है कि जो बहुत अच्छी बहुत बड़ी चोरी करने वाला जो था उसके बारे में समाज को जानकारी देना, उसको पकड़ने की कोशिश करना, ये बहुत बड़ी जोखिम होती है। चोरी करने वाला आदमी उसके लाइफ के बारे में भी कभी सोचता है, लेकिन जिसको कोई लेना देना है नहीं, लेकिन समाज में अच्छी जो बैड एलिमेंट्स है वो रिमूव होनी चाहिए, वो नष्ट होनी चाहिए। इसलिए कृष्ण ने किया हुआ काम हमारे सब समाज के लिए बहुत बड़ा। तो मेरे विधान भवन की ओर से, मेरे समाज की ओर से, मेरे सोसाइटी की ओर से कृष को मैं शुभेच्छा या उनका उसको कांग्रेचुलेशन देता हूँ। और इस प्रकार की मानसिकता समाज में निर्माण हो ताकि किसी के भी जिंदगी में ऐसे डेंजरस क्षण नहीं आने चाहिए, इसलिए हमने उसका अभिनंदन या सत्कार करके अपनी कोशिश की। इसके पहले भी मैंने कहा है कि दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट्स कैन बी इंस्पिरेशन फॉर द होल सोसाइटी। तो इस प्रकार के लड़के, मैं तो आपको ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इट विल बी नोन टू द पीपल सो दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट विल बी इंस्पायर्ड बाय हिज बाय दिस इंसिडेंट। तो पूरा समाज भी इसके लिए इंस्पायर्ड हो सकता है, तहे दिल से काम करने की जो भावना वो प्रकट हो सकती है। कभी कभी तो मैं तो ये सोचता हूँ कि जिंदगी में रौनक मिले या न मिले, मगर मौत तो जीत के दे दे। बहुत सारे हमारे लोग हैं कि जो खुद को बलि चढ़ाकर देश को बचाना चाहते हैं, इस प्रकार की मानसिकता है। इस इतने छोटे उम्र में उसने जो डेयरिंग बताया, वो जो हिम्मत बताई है, वो काफी अच्छी है। कृष को सीपी पुरस्कार से नवाजा जा चुका है, आगे किस तरह से इसको पुरस्कार देने की बात करनी, किस तरह से आगे? मुझे सब पता चला कि राष्ट्रपति पदक के लिए भी इसको नाम भी इसका प्रपोज किया है।